Multiple enemy aircraft approaching. You are advised to intercept. Mach 0 minus 0 and distance 20 nautical miles. Copy that. Control, I have visual. I have visual on my bogies and my 11 o'clock. Copy, you are clear to hit enemy aircraft. Rocket fire. Have a missile hit. First hit confirmed. Engage in number 2. Number 2 is hit. Reconfirm. I have a hit. Number 3 is also hit. 3 is down. 3 is down. मैं दो कहानियों का गवाह मास्टर रशीद, एक पाकिस्तान और दूसरी मेरे दोस्त हमजा की कहानी। इन दोनों का जन्म एक ही रोज हुआ, 14 अगस्त 1947, और इन दोनों की औलाद भी एक ही जैसी निकली, बेईमान, बदकिरदार, गुमराह। इसी तरह हम अपने बन के पड़े हो, अगर किसी ने हरकत की तो फिर मेरा निशाना कभी गलत नहीं हुआ। हथियार डालने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है तुम लोगों के पास। इन सबको गिरफ्तार कर लो, इलाज के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ, हमले और इन सब के बयानात लो। पहचाना नहीं? मैं नायाब। अगर किसी को तुम्हारी कामयाबी पे खुशी नहीं तो क्या हुआ? उन्हें बन के दिखाओ एसपी हैदर। ये मेरी अनथक मेहनत का नतीजा है। तुम सुनाओ, शादी तो हो गई होगी तुम्हारी?
कितने बच्चे? इसका मतलब है तुमने शादी नहीं की। तुम जानते हो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, पाकिस्तान की औरत के हकूक के लिए लड़ना। तो ये औरतों के हक की जंग तुम कौन से फोरम पे लड़ रही? सहाफत, आई एम अ जर्नलिस्ट। लेकिन तुम अपने मामले में मुझे पामिस कह सकते हो। एक मैं ही थी जिसे कामिल यकीन था कि तुम एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनोगे। चलो बाहर चलते। ये अपने बच्चे हैं एसपी साहब, जरा हाथ हौला रखना। बेगम, देख रहा हूं कि अब तुम काम करते करते थक जाती हो। अल्लाह बख्शे, अम्मा पर जब ये वक्त आया था ना तो वो तुम्हें घर पे ले आई थी। तो क्या तुम्हारा मतलब है मैं भी बहू ले आऊं? उसके लिए हमें कौन से चक जुमरे जाना? अरे बराबर वाली गली में जाना है, मास्टर रशीद का घर तो इधर ही है। ठीक कहा तुमने, कितनी सोनी जोड़ी लगेगी हमारे हैदर और हया की। हाँ। आज मछली पकेगी माँ, शिकार करके खाने में अपना ही मजा है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो आपके इकबाल है ना, शायरे मशरक, वो कहते हैं पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। अल्लामा साहब ने ये भी फरमाया कि अगर बाप का इल्म बेटे को अजबर ना हो तो पिसर वारिस और मिरास पिदर क्यों कर हो। हमारे प्रोफेसर साहब कहते हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद वर्ड्सवर्थ से मुतासिर थे, और आपके शायर मशरक इकबाल साहब भी जर्मन शायर और जर्मन फिलोसफर नीचे की बातें अपनी शायरी में इस्तेमाल किया करते थे। प्रोफेसर होना अकलमंदी की दलील नहीं होता बेटा, अक्सर जलने वाले अपनी बातों में इकबाल के शेर का हवाला देते हैं। बस बस, अब ये बहस किसी और तरफ ना निकल जाए। बेटा छुट्टियां खत्म हो गई, तुमने कॉलेज भी जाना है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज अबू। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। इतना सुकून है यहाँ। तुम्हें पता है यहाँ पर सिख मजहब के लोग इबादत किया करते थे? अगर मेरे बस में होना तो मैं इस जगह को गिरा के यहाँ एक खूबसूरत आलीशान सा महल बनाऊं। तुम इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह को तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी अकल पर रोने को दिल करता है मेरा। तो क्या फर्क पड़ता है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है हैदर? मेरे पास इतना वक्त नहीं है यार। हैदर आजा। तुम मेरी बात सुनो, अब्बा को मेरी फिक्र लगी रहती है, मेरी शादी की फिक्र। तो तुम्हारे अब्बू की इस फिक्र से मेरा क्या ताल्लुक?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तुम पागल हो गई हो? हम अच्छे दोस्त हैं भाई, और मेरी मोहब्बत है सिर्फ मेरा मिशन जो है दौलत। दौलत से ताकत मिलती है और ताकत से इक्तदार। अगर दौलत पास होना तो आदमी दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते। तुम वो हैदर ही नहीं हो जिसे मैं बचपन में जानती थी। उसे अपनी रिवायात और अपने अकदार से मोहब्बत थी, ना कि इस दौलत से। आदरा बंदूक, निशाना पक्का करिए। निकल गया यार। कटाई कदों होनी? हो रही है कटाई। हो तो आ ठीक है। आहो सर जी। और सुहेल हैदर आजा, तुझे शहर घुमा कर लाऊं। नई गाड़ी ली है मैंने। उधर रास्ते में क्यों नहीं रुका था? वो यार वो तेरे साथ रून खड़ा था ना, पसंद नहीं है मुझे, पक्का पेंडा है। तू कौन सा शहरी है? तू भी तो पेंडा ही है यार। मेरे यार दोस्त तो सब शहरी है ना, उनमें लड़कियां भी हैं। झूठ, मैं कैसे मानूं तेरे दोस्तों में लड़कियां भी हैं? यकीन नहीं तो चल मेरे साथ। तुझे ना मालूम नहीं है दौलत में कितनी को ताकत है। जब मैं बाहर जाता हूँ ना, सारी लड़कियां तेरे भाई को शहर की मिच्छियों की तरह चिढ़ जाती है। और अगर मैं तेरे साथ चलूं तो मुझे भी उन लड़कियों से मिलवाएगा? हो जरूर, चले। तू रुक, मैं भी तैयार होके आया। बस ठीक है, तू रुक बस। आजा। सलाम अलैकुम जी। वाह साहब, अब्बा को उतारना है फिर जीले की कढ़ाई पहाड़ के आते हैं। तू चल, मैं आता हूँ, मैं फिर तेरे साथ भी चलूंगा। तू चल। पटवारी का बेटा कहाँ ले जाने के लिए कह रहा था? मजीन शहर जाने के इरादे थे। मेरा दोस्त है अबू। और रिश्वतखोर, चालबाज, लोगों की जमीनें हथियाने वाले। उसका बाप हमसे दुश्मनी करता है और बेटा तुमसे दोस्ती का दम भरता है। हाँ, लानत ऐसे दोगरों। तू ये बता कि तूने ISB के लिए दरखास्त दी है? नहीं अबू। क्यों? मुझे आर्मी में नहीं जाना, मुझे कुछ और बनना है। क्या बनना है? दौलतमंद। दौलतमंद? हाँ अबू, दौलतमंद। आपने रमजान पटवारी और बूटे ठेकेदार की शान देखी है? सारा गांव उनकी चौखट पर सलामी देने के लिए आता है। अरे बदबख्त, वो तो रिश्वत की कमाई से दौलतमंद बने हैं। तूने अपने बारे में क्या सोचा? मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस में? बस करें इस बहस को, खुदा के वास्ते घर को घर रहने दे, जहन्नुम ना बनाए। और पुलिस वाले भी तो ईमानदार हो सकते हैं, वो भी तो मुल्क की खातिर अपनी जान दे सकते हैं। तो तूने रिश्वत की कमाई से दौलतमंद बनना, बहुत मायूस किया है तूने, बहुत मायूस किया है। दादा शहीद, बाप गाजी, और बेटा बेटा रिश्वतखोर। क्या कॉम्बिनेशन है। पुलिस में जाना है। सुबह तो बहुत उछल रहा था हया के साथ, वैसे तेरा यूं मुंह लटकाए बैठना बताते गए अपनी चाचा जी से शदीद जंग हुई है। यार वो तेरा बाप है, ऊपर से है फौजी। अच्छा चल बताओ हुआ क्या? बस यार वही रोज की कप कप। अबू समझते ही नहीं कि जमाना बदल चुका है। देख यार, आजकल के दौर में सब कुछ पैसा ही है।
यार वैसे चाचा जी कहते बिल्कुल ठीक है। नो लेक्चर यार, उधर अब्बा जी कहते रहते हैं, इधर तू बोलता रहता है। अच्छा चल छोड़ यार छोड़। ओ गाजी, हमजा, ओए ये कहाँ चला गया? जनाब अदीब आजम साहब रशीद प्रूफ रीडर हाजिर है। देख मास्टर, तेरी मदद के बगैर ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं हो सकती। मास्टर ये बसी का मतलब आज समझाऊं। बेटा अपनी मनमानी कर रहा है, मैं उसे समझा नहीं सकता। क्या मतलब? कहता है आर्मी में नहीं जाना, पुलिस में जाना। वो मुल्क की खिदमत ही करनी है ना, आर्मी न सही पुलिस सही। अरे वो खिदमत और जज्बे के साथ नहीं जा रहा, वो दौलतमंद बनना चाहता है पुलिस में। रिश्वत रिश्वत। पुलिस अकेडमी जा रहा है मेरे भाई। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं माना? मैं नहीं बोल यार। यार वो इनाम के घर से हया के लिए रिश्ता है, उसका बेटा फराज आर्मी में है। अब तू बता। मास्टर दोस्त से किए हर वादे से तू आजाद है, मेरा बेटा आर्मी में नहीं सही। अरे दामाद तो आर्मी में होगा ना। जाने क्या पढ़ लिया नैनों ने नैनों की किताब से, ओ जाने क्या पढ़ लिया नैनों ने नैनों की किताब से। छलकी है आशिकी सी जाने क्यों दिल के शराब से। उड़ी उड़ी नींदे खोया खोया शहना आए ना, तेरे बिना मुझे दिन और रहना भाए ना। थोड़ा 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 इश्क हुआ आँखों से। खिल रहे हैं प्यार के गुल अब तो राहों में, नशीले रंगों में डूबा है क्यों ये समा, क्यों नया लागे अब ये जहां। मगर लग गया मेरी मानना तुम्हें देखे जाऊं तुम्हें चाहे जाऊं है अरमा, बिना तेरे मुझे दिन और रहना भाए ना। थोड़ा थोड़ा थोड़ा
पाकिस्तान को तबाह करने आए थे। पहले पाकिस्तानियों से तो मिल लो। मुझे लगता है तुम लोगों का ध्यान थाने से ज्यादा तुम ठीक हो। थैंक यू सर। तुम तीनों का ध्यान थाने से ज्यादा खाने पर। क्या ये सब शराब तुम नहीं जी सर। क्या खड़े रहो? राइट सर। तुम आउट। बाहर धूप है सर। दफा हो जाओ। यहां आने से पहले मैं तुम सबके रिकॉर्ड चेक कर चुका हूं। सर पीए साहब ने कहा है गवर्नर हाउस से आपका फोन है। जी सर। ओके सर थैंक यू। हवालात में खुर्रम नाम का बंदा है सर। दो है, एक की मूछें हैं, क्लीन शेव है। नहीं वो सीमेंट के गट्टू जैसे जो है। उसको लाओ। खुर्रम को यहां लाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और माजत ख्वाहें इस सहमत के लिए जो आपको हम तक पहुंचने के लिए उठाना पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। रजिया सुल्ताना नाम है हमारा। एक सहाफी की दरखास्त पर इसके खिलाफ यह कार्रवाई करनी पड़ी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो बहुत बड़ी सजा मिलती। इतने प्यारे मुंह से सजा का लफ्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी जी। हमें बहुत कम लोग पसंद आते हैं और जो हमें पसंद आते हैं उन पर हम अपनी जान निछावर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम आपकी जात इजाजत और वक्त की शर्त से आजाद है। आपका जब दिल चाहे चले आइएगा। मिस नायाब अपनी एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी, एक सीक्रेट एक्शन की मुकम्मल स्टोरी लाइन अपने न्यूज़पेपर पर। मेजर फराज और उसकी टीम ने एक बॉम्ब मेकर और कुछ दहशतगर्दों पर कामयाबी से क्रैक डाउन किया। कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन इस खबर को होना चाहिए। एक बात बताओ नायाब, ऐसी खबरों में तुम्हारी रसाई कैसे मुमकिन होती है? अच्छे जर्नलिस्ट अपना सोर्स नहीं बताते। दोबारा मिलकर खुशी हुई शेर मोहम्मद।
تھینک یو سر. سر آپ نے فون پر کسی نئی انفارمیشن کا ذکر کیا تھا. ہاں فراز, تمہیں تو پتا ہے کہ دشمن ملک کے کچھ ایجنٹس یہاں دہشت گردی میں انوالو ہیں. وہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے کچھ گورنمنٹ ملازمین اور یہاں تک کہ منسٹرز کو بھی اپنی پے رول پہ رکھا ہے, اور یہ کئی ہائی پروفائل اسیسینیشنز میں بھی انوالو ہیں. الحمدللہ سر, وی ہیو آلریڈی کیپچرڈ آل آف دیم مین انکلوڈنگ ا بم میکر. ایم آئی کے ایک افسر اس پورے نیٹ ورک کے قریب پہنچ چکے تھے مگر انہیں شہید کر دیا گیا. جی سر. اس شہید افسر نے جس کام کا آغاز کیا تھا اسے انجام تک آپ پہنچائیں. اس کیس میں پنجاب پولیس آپ کو اسسٹ کرے گی. آئی جی سے میری میٹنگ ہو چکی ہے. اس آپریشن مار بھگاؤ کے انچارج آپ ہیں. وقت تو نہیں ہے میرے پاس. درگار شنکر سے کہو کہ اپنا کام ختم کر دے اور مجھ سے ملے. ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے آفیسر؟ شاید آپ جانتے نہیں کہ میری پہنچ کہاں تک ہے. تم لوگ جن کی نوکری کرتے ہو نا, وہ میرے پاؤں کے جوتے صاف کرتے ہیں. جوتے صاف؟ جوتے وہ صاف کرتے ہوں گے. میں نہیں, میں اس ملک کی حفاظت کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں. اور دہشت گرد جرائم کے نشان مٹانے لگے ہیں. غیر ملک کے ایجنٹوں کی مدد کے الزام میں گرفتار سینئر افسر قتل کر دیا گیا. پولیس کی موجودگی میں حملہ آور گولیاں مار کر فرار ہو گئے ہیں. پولیس اس وقت کاروائی کر رہی ہے, جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. حیدر, آپ آج ہی ایم آئی کے میجر فراز کو ملیے اینڈ بیکم اے پارٹ آف دا جوائنٹ آپریشن ود دیم. یہ سب ہمارا ہوم ورک ہے ایس پی حیدر. ایکچولی ہم سایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا. آئی جی آزم صاحب نے بتایا کہ آپ چند ٹیررسٹ پر ریڈ کرنا چاہتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ غیر ملکی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں. برگیڈیئر زمان کی شہادت میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں. ہمیں انہیں اس پاک سرزمین سے مار بھگانا ہے. اس جنگ میں پاکستان پولیس افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے گی. ہم آپ کو ہر وقت ہر دم تیار ملیں گے. اوکے میجر. ڈاکٹر حمید, چند غیر ملکی ایجنٹ اور وہ کرمنلز جو یہاں پر انہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ہمارا ٹاسک انہیں پکڑنا ہے. آپ اپنی ٹیم بنائیں. ہمارے اس آپریشن کا نام ہے مار بھگاؤ. اس آپریشن مار بھگاؤ میں میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ ہیں. Get ready for Operation Mar Bhagao. Main tumhara intezar kar raha tha. اسلامک اسکول اور آپ کا یہ روپ, آئیڈیا بڑا دھانسو ہے گرو. اس قوم کے نظریے کو بدلنے کے لیے
یہ روپ دھارنا بہت ضروری تھا. یہ سالے مولوی کے کہنے پہ باپ کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. اب اسلام، پاکستان، قائد اعظم کے نعرے نہیں، جوان، صوبائیت اور پھرکوں کے نعرے ہوں گے. ان پاکستانیوں کو تقسیم کرنے کے لیے پنجابی، بلوچی، پٹھان، سندھی اور مہاجر تو ملے، سالہ ڈھونڈنے سے ایک بھی پاکستانی نہ ملے. تمہیں دل لگی بھول جانے پڑے گی. کیا بات، کیا بات ہے صوبیدار صاحب، یعنی یہ دل کہیں نہ کہیں لگا ضرور تھا. نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں. میں اس شخص کو مرد نہیں مانتا جس کے ذہن کے کسی کونے میں عورت کا تصور نہ ہو. اب مجھے دیکھ لیجیے، ہر وقت میرے ذہن پر آپ کی بھابھی کا قبضہ رہتا ہے. خیر چھوڑیں، کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں؟ یہاں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، یہ دیکھیں. ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جوان کا کانٹا رستے سے نکلتے ہی فراز ہمارے رستے کی دیوار بننے کے لیے تیار کھڑا ہے. اس کا کارنامہ اخبار میں ہیڈ لائنز بنا ہے. آج فراز نے جن آدمیوں پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ ہمارے لیے ہی کام کرتے ہیں. اب ہمیں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا. ویٹ اینڈ سی. میرے خیال میں ایک دو دن میں انہیں ذرا فزیکلی چیک کرتے ہیں. سر آپ گھر جائیں، بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، ان کو میں چیک کرتا ہوں. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تمہاری بہادری پولیس میں ایسے آفیسرز کم ہوں گے جو منسٹرز اور معزز لوگوں کی موجودگی میں بھی بیگ لینے سے نہیں ڈرتے. ایک اتنی بڑی بزنس ٹائکون، کروڑوں اربوں کی مالک، ان تھرڈ کلاس لوگوں کے لیے پارٹی کیوں تھرو کرتی ہے؟ یہ میرے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار ہے جس سے مجھے کروڑوں کا فائدہ ہو. کیا تمہیں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ کس بات کا؟ کبھی قانون کی زد میں آ گئی تو؟ قانون چھوڑو، لیکن اگر وہ لمحہ آیا تو حکومت وقت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا، کیونکہ ان سب کے حسین اور رنگین لمحات کا ایک ایک پل میرے پاس محفوظ ہے. مطلب یہ کہ مجھے تم سے ملنے سے ڈرنا چاہیے؟ تم بھی نہ ہے، بالکل نہیں سمجھو گے. اس بھیڑ میں تم ہی تو میرے دوست ہو.
पाकिस्तानी फिल्मों के गाने कितने अच्छे हुआ करते थे ना, हर चीज तारीफ के काबिल थी। मसलन तुम्हें देखने को तरसती हैं आंखें, कहां छुपे हो जरा ये तो बताओ, बरसता रहेगा इन आंखों से सावन, कसम है तुमको हमसे दामन ना छुड़ाओ। तुमको मोहब्बत है हमसे गर जरा भी, बस लौट आओ इतना कहेंगे। अरे वाह भाई, हमारी बीवी तो शायरा बन गई। तुम्हारी मोहब्बत के खुमार में कितने साल बीत गए पता नहीं चला। साल के रहा मुबारक हो। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, आई एम सॉरी फराज, आई एम सो सॉरी। मेजर फराज हमसे मिलने आ रहा है, उसके इस्तकबाल की तैयारी करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समीर पाछा पलटा तो तुम अपनी गिरफ्तारी दे देना, सारे सबूत जला देना। आज अगर मेजर साला बच गया तो उसे हमारे आखिरी पड़ाव पे तुम लाओगे। तुम्हारा मिशन ये है कि तुमने समीर को पुलिस के पंजे से छुड़ाना। और सब कुछ ठीक ठाक है, चलिए।
سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. لاہور میں گرفتار غیر ملکی ایجنٹ کو چھڑا لیا گیا اور ملزم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفو چکر ہو گیا اور پولیس صرف دیکھتی رہ گئی. کیا بات ہے صوبیدار صاحب, آج نشانہ دوستوں پہ ہی رکھ لیا. لگتا ہے صوبیدار صاحب دوستوں پہ نشانہ لگانے کے ماہر ہیں. اگر انسپکٹر صاحب کو کوئی شک ہے تو میں ان کا گلا اسی آفس میں دور کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے ہم سب کو آپریشن کے بارے میں سوچنا چاہیے. موو.
ऑपरेशन में मेजर फराज बाद साथियों समेत शहीद हो गए हैं, जबकि पुलिस के एसपी हैदर इस कार्रवाई के बाद से लापता हैं और उनसे किसी किस्म का कोई रابطہ नहीं हो सका है। लाहौर में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मेजर फराज अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए हैं, जबकि पुलिस के एसपी हैदर इस कार्रवाई के बाद से लापता हैं और उनसे किसी किस्म का कोई रابطہ नहीं हो सका। ठीक है, आराम से। डॉक्टर ने कहा है कि हम आपसे बात कर सकते हैं। बताओ हमीद, क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। आपकी हर बात का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है सर। एसपी हैदर एक्शन के बाद वो भी तक लापता है। पूरा डिपार्टमेंट जानता है सर, एसपी हैदर पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सबूत लाने होंगे। तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ? अगर किसी को तुम्हारी कामयाबी पे खुशी नहीं तो क्या हुआ? तुम उन्हें बन के दिखाओ कि कल वो फखर से कह सके कि तुम उनके बेटे हो। दोस्त उससे शर्मिंदा है रशीद, हया के नाम के साथ बेवा लिखा जाएगा। इस सोच के तड़प जाता हूं, बेटे की कुताही की सजा खुद को देना चाहता हूं। ये नस्ल पाकिस्तान के लिए क्या कर रही है? हमारे मुल्क के दुश्मन बैरूनी ताकतें इसे तबाह करने पर तुली हुई है, और फिर ये रिश्वत, लसानियत, फिरकावारियत, कैसी कैसी बीमारियां इसे अंदर से खोखला कर रही है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से मायूस नहीं हूं। गलतियां शायद हमारी नस्ल ने की हैं, जिसका खमियाजा हमारे साथ साथ ये भी भुगत रहे हैं। मगर तुम देखना, यही लोग हमारे भरोसे को यकीन में बदल देंगे।
आप कौन? मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा नाम मेजर हमाद जमाली है और मैं मेजर फराज का दोस्त हूँ। मुझे एसपी हैदर से मिलना है। मैं एसपी हैदर के बारे में कुछ नहीं जानती। देखें, अगर आप एसपी हैदर की वाकई हमदर्द हैं और उसे इस मुसीबत से निकालना चाहती हैं, तो आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आप पर ट्रस्ट कर भी लूं, तब भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, प्लीज। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। और हां, इस वक्त मेरे अलावा कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता। कहीं जा रहा है इधर? हाँ, बस वो मैं। अम्मी, ये बेचारा कहाँ जाएगा नया, जो अपने मां बाप की मोहब्बत, ईमानदारी और हक सच की राह से भागा था, वो आज अपने आप से भाग रहा है ना? दुख की बात। ऐसा नहीं है अम्मी। खामोश, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं हमेशा तुम्हारी तरफदार रही, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा बाप सच्चा है। ठीक कहते, जो लोग रिश्वत को अपना दीन-ईमान समझ लेते हैं ना, उनके घर खंजीर के बेलों से ज्यादा बदबूदार होते। क्यों, चार सिक्कों के लिए तुमने अपनी आंख पर बर्बाद कर ली? आंटी, एक मिनट आए आप, ये तुम्हारे बाप की कहानी है जो शायद उसने तुम्हारे लिए लिखी थी। तुम्हें बहुत शौक था ना बहादुरों की कहानियां सुनने का, आज वो इज्जतों के सहारे जीना चाहता है, अपनी इकलौती औलाद के सहारे नहीं। बेटे की बदनामी गैरतमंद बाप के लिए गाली बन गई है। बाप की वसीयत है कि उसका बेटा उसके जनाजे में शामिल ना हो। मायूस किया है तुमने, क्या तुम कभी उस रास्ते पर वापस आना चाहोगे जहां मैं और तुमसे मोहब्बत करने वाले लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? वैसे चाचा जी कहते बिल्कुल ठीक है, तेरी मदद के बगैर ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं हो सकती। मेरी कौम के बेटो, पूरे बड़े सगीर के मुसलमान जानते थे कि उनकी आजादी की जंग अगर कोई जीत सकता है तो वो मोहम्मद अली जिना है। मिस्टर जिना, मिस्टर गांधी हैज अराइव्ड।
It was good to see you, Mr. Gandhi. You're not taking care of your health, though. मैंने और कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म आप होंगे. क्या आपको इस पर भी कोई एतराज है? इस पेशकश का जवाब मैं पहले भी एक बार दे चुका हूँ मिस्टर गांधी. मुझे इक्तदार नहीं, मुसलमानों का तहफ्फुज़ चाहिए. क्या आपका वज़ीर-ए-आज़म बनना हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ्फुज़ की जमानत नहीं? नहीं महात्मा साहब, बिल्कुल नहीं. पार्लियामेंट में हिंदुओं के 10 के मुकाबले में मुसलमानों का 1 वोट होगा. मेरा वजीर आजम बनना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेरी कौम के लिए नहीं. जरा सोचिए मिस्टर गांधी, मुसलमान हिंदुओं के नलकों से पानी नहीं पी सकते, तो दोनों एक साथ रहेंगे कैसे? बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा. आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई, वो इस कुर्रायर्स में एक अजीम कौम बनकर दिखाएंगे इंशाल्लाह. हमने छोटे छोटे काफिलों की सूरत में आग और खून के दरिया पार किए. कुछ को पाकिस्तान देखना नसीब हुआ और कुछ उसे देखे बगैर ही कुर्बान हो गए. ताकत के नशे में चूर दुश्मन ऐसे काफिलों की ताक में था. जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मैंने तड़पते हुए जिस्म और खून में डूबी हुई लाशें देखी. सच में बुजदिल और मक्कार दुश्मन ने हमेशा की तरह कश्मीर को चरास बनाकर लाहौर पर हमला कर दिया. शाबाश जवान, इस तरफ के पीछे अपना टारगेट रखो, यहाँ से बाहर आ रहे हैं. मेजर शफकत बलोच ने 9 घंटे 19 जवानों के साथ पूरी एक बटालियन को रोके रखा. क्या रिपोर्ट है गुलाम हैदर? दुश्मन ने पूरे ब्रिगेड के साथ हमला कर दिया सर. लद्दाख का कोई मसला नहीं गुलाम हैदर, ये बात मुसलमानों के लिए नई नहीं है. ये बताओ हमारे पास फ्रंट पर कितने जवान हैं? सर हम टोटल 19 हैं, जिसमें से 3 ड्राइवर, 2 लांगरी और 1 धोबी है सर. और कर्नल साहब का ऑर्डर है सर, हमने इन्हीं लोगों के साथ दुश्मन का मुकाबला करना है सर. ठीक है, एक काम करो, हर 2 फायरर्स के साथ एक जवान को गन लोड करने पर लगा दो. सर 1 के बदले 4-4 फायर करो, दुश्मन को यकीन हो जाए कि पूरी काम फौज के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं. सर कैरी ऑन. ऐसा लगता था अकेला मेजर शफकत बलोच 1 के बदले 4 फायर, याद है? पूरी इंडियन आर्मी पर भारी था. कम 40 इंडियन टैंक्स. और एक ब्रिगेड. आने दो इन्हें, आए तो ये अपनी मर्जी से, अब जाएंगे हमारी मर्जी से.
हमारा दुश्मन इतना बड़ा लश्कर लेकर हमसे दोस्ती करने नहीं आ रहा। हमारी इज्जत, हमारी गैरत, हमारे वतन को हमसे छीनने आ रहे हैं। भागने पे मजबूर कर दो और उसकी पुश पर ऐसा निशान लगाओ कि क्यामत तक आने वाली उसकी नस्लें आज रखें। नारे तकबीर। सर, जनरल साहब ने कहा कि आप दो घंटे आराम कर लें। आज अगर हम नींद से हार गए तो दुश्मन से कैसे जीतेंगे? जवानों, याद करो बदर के मैदान को, 313 के मुकाबले 1000 का लश्कर था। अपने वतन की हिफाजत करते हुए हमारी हस्ती में वो मस्ती होनी चाहिए जैसे माफी देखे तो उस पर लज्जातारी हो जाए। याद करो उन 10 लाख शहीदों को जिन्होंने अपने खून से इस सरहद की लकीर खींची है। मुझे
मुझे कसम है खुदा की, मैं अपने खून के एक एक कतरे से उन शहीदों का कर्ज उतारूंगा। नारायण तकबीर, सुपर 96 अल्फा ऑन टारगेट, फासला 1500 मीटर, 11 बजे की लाइन, दुश्मन का टैंक फायर। पाकिस्तान की हिफाजत करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हमजा, हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। हमजा क्या हुआ जवान? हौसला, खुदा का शुक्र अदा करो, उसने हमें जीत से नवाजा है। और छोटी मोटी चोटें हैं, इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सुलेमान की सेक्टर इज गेटिंग ऑन माई नर्व। सिर्फ एक पाकिस्तानी मेजर, मेजर शबीर शरीफ, हमारे 50 जवानों को हथियार फेंकने पे मजबूर करता है। सिर्फ एक पाकिस्तानी, अब वो कहां है पता नहीं। ये वही है सर, ये वही है। कौन? मेजर शबीर शरीफ। बहुत देर है सर, बहुत देर है। कर्नल प्रकाश, अभी और इसी वक्त सुलेमान की सेक्टर पर मेजर नारायण सिंह को भेजो। इस फ्रंट का फैसला कर। हाथ नारायण सिंह राजपूत का हाथ है।
कपिल। सुन नारायण, आज इधर भी राजपूत के हैं। अगर शब्बीर पहले पाकिस्तान का सबूत है, फिर राजपूत। तेरी मौत इस फ्रंट की जीत है, तो मैं इस नेक काम में देर नहीं करूंगा। सेक्टर पर मेजर शब्बीर शरीफ की कयादत में पाक फौज ने 30 मील भारत के अंदर घुसकर दुश्मन को मारा। तेरा बाप इस मुल्क के इश्क में मुब्तला है, वो तुम्हें भी इस मुल्क के जानिसारों की सफ में देखना चाहता। किस्मत के दरवाजे की चाबी आई है। बड़े बड़े लोगों के पीने का पानी। तू भी बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, है ना? मेरा बड़ा अफसर, मेरा बड़ा अफसर। आला सीला। यार वैसे चाचा जी कहते बिल्कुल ठीक है। मेरी मोहब्बत है सिर्फ मेरा मिशन, जो है दौलत। दौलत से ताकत मिलती है और ताकत से इख्तदार। अगर दौलत पास होना तो आदमी दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। बाप की वसीयत है कि उसका बेटा उसके जनाजे में शामिल ना हो। बहुत मायूस किया। दादा शहीद, बाप गाजी और बेटा रिश्वत खोर। बेटा रिश्वत खोर, बेटा रिश्वत खोर। जब कोई दिल तोड़ता है हैदर, तो आंसू निकलते हैं। और जब उम्मीदें दम तोड़ती हैं, तो हमीद, मौलवी नसीर केस में अभी तक आपकी प्रोग्रेस जीरो है और ना ही तुम अभी तक हैदर को ढूंढ सके हो। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे 48 घंटे का वक्त दीजिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 48 घंटे मतलब 48 घंटे, ठीक। अब हमारी मुलाकात आपके दिए हुए वक्त गुजरने के बाद होगी। यू मे गो नाउ। सर, आई एम अनआर्म्ड। ये मेजर जमाली हैं हैदर, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेजर फराज मेरे दोस्त थे, मेरे कोलीग थे। मैंने उनके साथ काम किया था। वो शहीद हो चुके हैं और उनके कातिल आजाद, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमीद की कहानी सुन चुका हूं, अब आप क्या कहते हैं वो सुनूंगा। अगर तुम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो हैदर, तो तुम्हें इन्हें पूरा सच बताना होगा। मेजर चमाली, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इस केस की चाबी हमीद के पास। उसने मुझे फंसाया और आपके सामने मुझे बना दिया। वेल आई बिलीव यू हैदर, बट डोंट ट्रस्ट यू इट। अब मैं वो एविडेंस लाऊंगा जो इन मुल्क दुश्मनों के साथ साथ हुकूमत में शामिल इनके कुत्तों को भी भागने का मौका नहीं देंगे।
किसी प्रॉब्लम में थे तो मुझसे तो मिलने आते। मैं नहीं तो आया हूँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे बस वो सबूत चाहिए जो तुमने अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठे किए थे। अपने बुरे वक्त के लिए नहीं, उन पर बुरा वक्त लाने के। आज तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। कैसे आना हुआ? ये क्या है सर? ये एविडेंस साबित करते हैं कि एसपी हैदर इनोसेंट। मेजर, ये तो मैं इन एविडेंसेस को देखने के बाद ही फैसला करूंगा कि हैदर इनोसेंट है या नहीं। सर, मैं सब इंस्पेक्टर असद आई विटनेस हूँ एसपी हैदर की बेगुनाही। इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो लोग हैं मुझे उन पर हाथ डालने की इजाजत दीजिए। वेल मेजर, यू हैव माई फुल सपोर्ट, बट मेक श्योर एसपी हैदर इज विद यू। May Allah be with us all. नजरों में आ गया वो नजरों से गिर गया। गुरु, एक मोहरे की मौत पूरी बाजी हारने से कहीं बेहतर है। नथिंग पर्सनल,
It's all in the game. मुझे मार दे, मेरे जैसे हजारों और हैं। पाकिस्तान को धमका दे, ने अपना एक अखबार निकाला है जिसका नाम साया खुदाए जुल जलाल रखा। नायाब आज भी हैदर का इंतजार कर रही है। हमजा ने कभी हैदर को माफ नहीं किया। उसकी मौत 3 साल बाद दिल का दौरा पड़ने से हुई। हया ने गांव में छोटा सा स्कूल खोला है जहां वो अपने बेटे हैदर के साथ मुफ्त तालीम दे रही है। सफिया की तबीयत अक्सर खराब रहती है और वो आज भी हैदर को याद करती है। रजिया सुल्ताना ने अपनी सारी दौलत और जायदाद फलाही कामों में वक्फ कर दी। हैदर को उस रात के बाद किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने दोस्त हमजा की कहानी सुनाता रहूंगा। देविका और हमीद की मौत के साथ ही ना ही तो हमारे खिलाफ कोई सबूत रहा और ना ही कोई गवाह।